ding 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 dum dum bam 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 ding 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 dum dum bam 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 bam. अरे वो भाई साहब, आपका फोन कब से बज रहा है? या तो उठा के बात कर लीजिए या तो साइलेंट कर दीजिए। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि सारे दोस्त तुम भी याद। अरे भाई, जबरदस्ती कभी क्यों बन रहे हो यार, जो है सीधा सीधा बोलो ना। दोस्त लोग है, दिन भर फोन करते रहते हैं। किस लिए फोन करते रहते हैं? पैसे के लिए। अब मैं थोड़ा बहुत कमाने के लगा, सब सार्वजनिक बैंक समझ लिए, अब मैं अकेला कितनों का मदद करूं। अमर? हाँ वो तो मैं हूँ, आप कौन? अबे भूल गया, बचपन में टीचर ने दो डंडे मारे थे, पैंट में सुसु कर दिया था। पब्लिकली नहीं करती। वैसे तुम्हारा नाम? विनय। अच्छा, वो जो मेरा समोसा खाया था और कहता था कि मैं भी खिलाऊंगा, लेकिन खिलाया नहीं। समोसे याद है तुझे, लेकिन मुझे नहीं पहचान पा रहा था। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि सच्चे दोस्त वही है जो कभी भी कहीं भी और कैसी भी परिस्थिति में पहचान ले। अरे हाँ, लेकिन तू पहले कितना छोटा था, अभी कितना बड़ा हो गया है। वैसे क्या कर रहा है आजकल? कुछ खास नहीं, बस एक सॉफ्टवेयर कंपनी में छोटा सा इंजीनियर हूँ। क्या बात है, एसी में बैठ के पैसे छाप रहे हो। हाँ, सबको यही लगता है। वैसे तुम क्या कर रहे हो आजकल? अपना छोटा मोटा बिजनेस, बस कमा लेते हैं ठीक ठाक। डिंग 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 डम डम बम बम भाई, उठाकर बात कर लो, हमेशा पैसे के लिए फोन नहीं आता। अरे भाई, क्या हाल है? हाँ भाई, तुम्हारे होते हुए हाल ठीक हो सकता है। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जिंदगी में कैसे भी हालात आए, डटकर सामना करना चाहिए। हाँ जरूर डटकर सामना करूँगा, तू सामने तो आ कभी। क्या पैसे चाहिए? इमरजेंसी है। मैंने तो ये नहीं बोला, लेकिन फ़ोन तो मैं उसी की लेके आऊँ ना भाई। लौटा दे भाई पैसे मेरे, लौटा दे भाई। अच्छा कितने चाहिए? अरे कितना क्या, भूल गया, जो दिया था मुझे पूरा चाहिए। 10,000? अरे अभी आधे घंटे पहले बोला रहता तो मैं तुमको 20,000 दे देता, अभी तो अकाउंट खाली है। मैं तेको आधे साल से लगातार फ़ोन कर रहा हूँ और तू आधे घंटे की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। यार एक दोस्त को इमरजेंसी में पैसे चाहिए थे, और तू तो जानता है कि मैं ठहरा बिजनेसमैन, अभी किसी पार्टी को मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। और अच्छा तुम्हारे पास 10,000 रुपये होंगे क्या? पैसे मतलब पैसे तो नहीं हो पाएंगे यार। पता है मेरे गुरुजी क्या कहा करते थे कि दोस्त वो नहीं जो साथ में मस्ती करे, दोस्त तो वो है जो मुसीबत में काम आए। देखना यार हो जाएगा, जैसे तुम दोस्त हो वैसे वो भी दोस्त है। नहीं यार, 10,000 तो नहीं हो पाएगा। हाँ तो कितना होगा? शायद 5 तक कर सकता हूँ। हाँ तो उतना ही भेज देना, नंबर देता हूँ मैं। भाई जल्दी कर, इमरजेंसी है। हाँ भाई ठीक है, लेकिन पैसे मिल तो जाएंगे ना? भाई मैं दे दूंगा 5 दिनों के अंदर में, और अगर आज पैसे आ गए तो आज ही ट्रांसफ़र कर दूंगा। भाई यहाँ तो तुम्हारा नाम आ रहा है। हाँ उसका भी नाम विनय ही है, उसका भी नाम विनय है। ठीक है ये कर दिया, तुम अपना नंबर दे दो। ये लो। मेरे गुरुजी का हमेशा एक बात याद रखना कि पैसे जो है वो किसी का नहीं है, आज तुम्हारे हाथ में, कल किसी और के हाथ में, परसों किसी और के हाथ में। ठीक है मेरा एक काम आ गया है, निकलता हूँ, मिलते हैं फिर कभी। नहीं लगता है पूरा पैसा डुबाने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन मेरे पर ये सब चीजों का असर नहीं होने वाला। हेलो कौन? इतना जल्दी भूल गया? अरे भाई मैं इमरजेंसी में था,
तू मुझे 10,000 दे रहा था, किधर गए तेरे 10,000? वो मेरे अकाउंट में गए, मैं 5 दिनों में क्लियर करता हूँ। फिर से 5 दिन? इसका मतलब तू मुझे पैसे कभी वापस नहीं देने वाला। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि पैसा जो है वो कागज का टुकड़ा है, और इन कागज के टुकड़ों के लिए अपना संबंध खराब नहीं करना चाहिए। कसम से, अगर तूने मुझे 5 दिनों के अंदर पैसा वापस नहीं किया ना, मैं किसी और से उधारी लेकर मैं उसका पैसा डुबा दूंगा। हेलो, क्या हाल इंजीनियर साहब, और सब बढ़िया? सब बढ़िया है, अपना बताओ क्या हाल चाल है, धंधा पानी कैसा है? मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जिंदगी में काम धंधे खर्चे पानी की समस्याएं तो आती जाती है, लेकिन इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। हाँ, मान दे तुम्हारे गुरुजी। वो मैं कह रहा था कि वो तुम्हारे कहने पे जो ओ सिट भाई, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अरे यार, वो पैसे। मास्क और टोपी हटा। अरे बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो, कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाया रहेगा। ये कोरोना नहीं, कर्जदारों से बचने के लिए है। शक्ल दिखा भाई, जल्दी दिखा भाई। अरे तुम तो यार पैसे लिए तब से फोन पे ढंग से बात भी नहीं करते। अच्छा, तो ये बात तुमसे भी कर्ज लिया ये? हाँ, एक बार मेरे पास बैठा था तो बोलता है दोस्त का कॉल है, कुछ इमरजेंसी है, 10,000 रुपये की ज़रूरत है, और मुझसे ट्रांसफ़र भी करवाया इसने। अच्छा, तो ये बात है। वही तो सोचूं कि फ़ोन से मेरे से उल्टे सीधे बातें क्यों कर रहा था, और ये मेरे से 15,000 का कर्ज भी लिया है, और जो तुमसे पैसे ट्रांसफ़र करवाया है ना, ये अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया है। गजब की टोपी वाली इंसान हो यार तुम। बचपन में लोगों के समोसे खा जाते थे, बड़े होने के बाद लोगों की तनख्वाह। अरे दे दूंगा ना यार, भागे थोड़ी जा रहा हूँ। तू भागे थोड़ी जा रहा है, तू मुंह छुपा कर जा रहा है। ये ऐसा आदमी है कि अगर आप अपने ससुराल लेके जाओगे तो ये आपके ससुर से पैसा मांग लेगा। मेरे गुरुजी कहा क्या कहा करते थे तुम्हारे गुरुजी? गुरुजी के नाम पे तुम बहुत प्रवचन करते हो, लेकिन एक भी लक्षण नहीं दिखा देते तुम्हारे अंदर वैसा। मेरे सामने भी तुमने गुरुजी के नाम पे लंबे लंबे मारे थे, मैं भी तुम्हारे गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। वो बात ऐसा है कि है भी है चल बसे। नहीं अभी है, लेकिन उनसे मैं 50,000 रुपये उधार लिया और उनका कोचिंग छोड़ दिया और उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो अब समझ में आया कितना गिरा हुआ इंसान है ये। गुरुजी से ज्ञान भी लिया और पैसे भी। हाँ, तो वो चेला ही क्या जो गुरुजी का सब कुछ ना ले ले। और वो जो तुम्हारे दोस्त पैसे के लिए तुमको फ़ोन किया करते थे? फ़ोन करेंगे ना, उधार जो लिया है सबसे ये। मतलब ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि सारे दोस्त कभी भूले ना, इसका मतलब ये था। अरे भूलना तो दूसरी बात है, लोग इसे आशीर्वाद देते हैं। अभी मैं उदाहरण दिखाता हूँ। हेलो। अरे वो विनय दिखा था आज। तो तुमने उसे पकड़ा क्यों ना है? तुम्हारा पैसा दे दिया का? अगली बार दिखे ना तो तू उसका पीछा करना और मुझे भी कॉल कर देना, उसके बाद देखना उसका कपड़ा उतार के उसे नंगा दौड़ा दूंगा। हाँ ठीक है, आइडिया तो बहुत अच्छा दिया उसने। हाँ तो उतार लेना, कपड़े तेरे पैसे के ही हैं। इसी के लिए इसे इतना कॉल आता है? ये आधे से ज्यादा लोगों का नंबर ब्लॉक करके रखा है, और तू जो लोगों का बद्दुआ ले रहा है ना, देख लेना एक दिन बहुत बुरा होगा तेरे साथ। अगर बद्दुआ से कुछ होती ना तो देश में पुलिस और न्यायालय नहीं होता। बद्दुआ लग गई,
जिन हाथों ने कर्ज लिए थे उसमें से एक हाथ नहीं रहा। काश कोई उस वक्त कर्ज दे देता। पहली बार हमने ज़रूरत के लिए किसी से कर्ज मांगी थी, भरोसा गंवा चुका था, हाथ भी गंवानी पड़ी। और डॉक्टर, उधार कुछ नहीं करता। अब ये दूसरे हाथ ने कर्ज चुकाने का जिम्मेवारी लिया है। और हाँ, आज भी चूना लगाता हूँ, कुछ दोस्तों का कॉल भी आने लगा है, पैसे मांगने के लिए नहीं, हाल चाल पूछने के लिए।